हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक्स क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। इसके मेडिकल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, हार्ट अटैक किस तरह से आता है और कार्डियक अरेस्ट किसको बोलते हैं और हार्ट अटैक किसको बोलते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं 5 से 4 इसके पार्ट बनेंगे, क्योंकि अलग अलग बनाना पड़ेंगे कि आपको पूरा बताना, डिटेल्स में बताना पड़ेगा कि हार्ट अटैक्स एंड कार्डियक अरेस्ट किस तरह से आता है और क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक की डेफिनेशन, कार्डियक अरेस्ट की डेफिनेशन किस तरह से आती है और उसके साइन एंड सिम्टम्स जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मेन टॉपिक्स पर आ जाते हैं। पीपल्स आर ऑफ्टन यूज द टर्म द इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट अ सिम्टम्स। लोग दोनों को एक समझते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या होता है जान लेते हैं। हार्ट अटैक इज़ द ब्लड फ्लो द हार्ट इज़ ब्लॉक। हार्ट का ब्लड प्रेशर रुक जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। पुट एंड सडन कार्डियक अरेस्ट देन द हार्ट इज़ माल फंक्शन। क्या फंक्शन गलत तरीके से होते हैं, सडनली स्टॉप हो जाती है ब्रीदिंग अनएक्सपेक्टेडली, इसको अपन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। द हार्ट अटैक, हार्ट अटैक इज़ अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम। जो हार्ट अटैक कब आता है, जब ब्लड का सर्कुलेशंस बराबर नहीं होता, जहाँ तक ब्लड पहुँचना वहाँ तक नहीं पहुँचता है एंड सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। इन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से फिर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज़ हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक्स क्या होता है, दिल का दौरा क्या होता है। हार्ट अटैक अक्वायर वेन ब्लॉक आर्टरी प्रिवेंट ऑक्सीजन। प्रिवेंट का मीनिंग होता है स्टॉप, ऑक्सीजन का जो रीचिंग है वो स्टॉप हो जाता है, फिर आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। फ्रॉम द रीचिंग द सेक्शंस ऑफ हार्ट, के जितने सेक्शंस है ब्लड के साथ में अगर ऑक्सीजन रहता है तो पूरी बॉडी के अलग अलग सेक्शंस में ब्लड का फ्लो होता है। द इफ़ द ब्लॉक आर्टरी नॉट रीपॉइंट क्विकली, अगर आप जल्दी नहीं करते, द पार्ट ऑफ द हार्ट नॉर्मली नोराइज्ड बाय द आर्टरी बीइंग टू डाई। वो उसकी जो नलिया वगैरह है और इंसान की डेट वगैरह भी हो सकती है अगर आर्टरी वगैरह तक ब्लड का नहीं पहुंचा। द लॉन्गर द पर्सन विदाउट द ट्रीट, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करता तो गेदर इज द डैमेज, वो डैमेज हो सकता है। इसमें हार्ट अटैक्स में आप समझ चुके हैं कि पूरे बॉडी में अगर ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ऑक्सीजन प्रिवेंट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ऑक्सीजन रहता ही तो अपनी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, वही ब्लड को लेके जाता है अपनी बॉडी में अलग अलग सेक्शन तक। तो हम जान लेते हैं व्हाट इज़ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, द सडन कार्डियक अरेस्ट ऑक्यूर सडनली एंड विथ और विदाउट यहाँ विदाउट बहुत इंपॉर्टेंस है, वार्निंग। बिना वार्निंग के आपको कोई भी हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ये सब बताता नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आपको कार्डियक अरेस्ट आएगा। विदाउट द ट्रिगर बाय द इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन इन द हार्ट डैश कॉज। इरेगुलर क्या हो सकता है माल फंक्शन, इरेगुलर हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। विथ इट इज़ द पंपिंग एक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। द हार्ट कैन नॉट पम्प बराबर, उसका पम्प जितने करने हो ना पम्प नहीं कर पाएगा ब्लड टू द ब्रेन, जहाँ तक अपना ब्लड बॉडी में पहुँचना चाहिए, ब्रेन, लंग्स एंड अदर्स ऑर्गन्स तक। एंड सेकंड लेटर द पर्सन लूसेज द कॉन्शियसनेस हो सकता है एंड इसका पल्स रेट भी नहीं रहेगा, जब तक उसके अंदर खून ही नहीं पहुँचेगा तो क्या उसकी धड़कन बढ़ेगी। डेट ऑक्वायर विद इन, अगर कुछ मिनटों में होता नहीं तो ये द कुछ मिनटों में, फिर इसकी बाद इसकी डेट भी हो सकती है। नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट वगैरह इसका सडनली नहीं होता है तो इस पेशेंट की हालात मर भी सकता है, क्योंकि इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सडनली विदाउट द वार्निंग इसके कोई भी इरेगुलर फंक्शन, बॉडी के फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आता है। अभी हम जानने वाले हैं 5 डिफरेंस बिटवीन द हार्ट अटैक्स एंड कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। इसके 5 डिफरेंस जानेंगे अपन। पहला है हार्ट अटैक इज़ नॉट द सेम इज एज अ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक ये सेम नहीं है। हार्ट अटैक इज़ व्हेन वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी बिकम ब्लॉक। कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। द हार्ट मसल इज रप्ट ऑफ विटाल ब्लड सप्लाई, जो बड़े बड़े ऑर्गनों में ब्लड सप्लाई होता है। लेफ्ट अनट्रीट विल बिंग डाई बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग इनॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल सकता जिसकी वजह से हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट इज़ व्हेन अ पर्सन्स हार्ट स्टॉप द पंपिंग ब्लड अनाउट बॉडी एंड दे आर स्टॉप द ब्रीदिंग नॉर्मली। नॉर्मल ब्रीदिंग्स एंड जो ब्लड का पंपिंग होता है वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आता है। हार्ट अटैक्स के सिम्टम्स की बात करें, अ पीपल द एक्सपीरियंस अ हार्ट अटैक ऑफ्टन स्टे कॉन्शियस एंड अवेक। In the acute heart attack, there are usually one major blockage, and that blood can flow around. The circulation is not strong. जो circulation रहेगा वो strong नहीं होगा, बराबर है सही तरीके से जो जितना blood होता था supply उतना नहीं होगा. Put blood still they reach the vital organ and the brains and the brain. So the person they stay the awake. If you have heart attack, you might experience this is the symptoms of और हाउस एंड डे और वीक। उसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ सकते हैं हॉर्स और डे के हिसाब से। बात करते हैं तो चेस्ट पेन्स होता है, नोशिया एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोले तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, स्टमक पेन होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और वीकनेस लगती है इंसान को। ये थे हमारे सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक्स के। अब अपन देखते हैं सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट। Symptoms of different sudden cardiac arrest. People having the sudden cardiac arrest often lose consciousness within minutes. कुछ ही मिनट में consciousness because the lack of blood flow. Blood flow नहीं होता to the brains. These are little to no warning. Warning वगैरह कुछ नहीं होती, सीधा cardiac arrest आता है suddenly. More than half of people who are experiencing the SCA have no symptoms and other may be. क्या होता है? ब्लू डिसकलरेशन ऑफ फेस, फेस का कलर चेंज हो गया आता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, चेस्ट पेन होता है, डिजीनेस इन हार्ट क्विकर, ओवरऑल द मेलेसियस ऑफ अनवेल फीलिंग्स वगैरह आती है। ये तो अभी अपन ने देख लिया कुछ कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक्स क्या होता है, इसके सिम्टम्स वगैरह जान लिए। अब इसके आगे में बात करेंगे अपन किस तरह से होता है और क्यों होता है, इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और कमेंट कर बताओ वीडियो कैसा लगा आपको।